गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वर्ल्ड मैप्स भी का स्वागत है। तो अगर यार तुम्हें कोई पोकेमोन चाहिए है तो तुम्हें उसे पकड़ना होता है। ये सबसे आसान तरीका है पोकेमोन को पाने का। पर एश केचम को उसकी टीम के लिए कई सारे मेंबर्स बस ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत से पोकेमोन उसके फ्रेंड बन जाते हैं और कई सारे उसे एग से मिलते हैं। तो इसलिए यार एश ने ना ऐसे बहुत से पोकेमोन बस ऐसे ही पकड़ लिए। उसके लिए ना कोई भी पोकेमोन को पाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। यहाँ तक कि एश ने लेजेंडरी पोकेमोन्स को तक अपना दोस्त बनाया था और कुछ पोकेमोन्स को एश ने ट्रेड करके लिया है। तो आज हम इसलिए 10 ऐसे पोकेमोन्स को देखने वाले हैं जो कि एश को बिना पकड़े ही उसकी टीम के लिए मिल गए थे। तो इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है रेडिकेट, जो कि एश को बटरफ्ली से ट्रेड करने के बाद में मिला था। तो पोकेमोन के 15th एपिसोड में जब एश एक शिप के ऊपर था, तब ना उसने अपने बटरफ्ली को किसी जेंटलमैन के रेडिकेट से चेंज कर लिया था और एश को तब एक रेडिकेट मिल गया था उसके बटरफ्ली के बदले। पर ये सब ज्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, बाद में एश को अपने बटरफ्ली की याद आने लगी थी। एश को अपने बटरफ्ली के साथ की सारी यादें याद आ गई कि उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड था, और तुरंत ही फिर एश को ये रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए एश जेंटलमैन से एक बार फिर से पूछता है कि वो रेडिकेट को वापस ले ले और उसका बटरफ्ली उसे वापस कर दे। इसलिए एश को रेडिकेट मिला तो था, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। नंबर 9 में है नोएबैड। तो पोकेमोन एक्स एंड वाई सीरीज के 76th एपिसोड में एश एक फॉरेस्ट में रेस्ट कर रहा था क्योंकि उसे डेंडमाइल टाउन में जाना था। तो उसी समय जब एश का हाउलूचा पेड़ के पास में प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे एक पोकेमोन का एग मिला था और फिर हाउलूचा ने वो एग एश केचम को दे दिया, जिसके बाद में वो अंडा हैच होना शुरू हो चुका था। फिर आगे एश और उसके पोकेमोन्स ने उस एग को यार हैच होने में मदद करी, जिससे नोएबैड बाहर आया। उसके बाद में हाउलूचा और नोएबैड दोनों ने मिलकर टीम रॉकेट को भी हराया था। फिर एश ने नोएबैड को एक ऑफर दिया उसकी टीम में आने के लिए, और नोएबैड ने भी वो ऑफर एक्सेप्ट करके एश की टीम को ज्वाइन कर लिया। नंबर 8 पर है बुइजल। तो बुइजल ओरिजिनली डॉन का पोकेमोन है, जो कि उसने पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल की सीरीज के 34th एपिसोड में पकड़ा था। पर बाद में डॉन को ये रियलाइज हो चुका था उसकी बुइजल को बैटल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि पोकेमोन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने में, क्योंकि डॉन एक पोकेमोन कोऑर्डिनेटर थी। और वहीं दूसरी तरफ एश के एपॉम को पोकेमोन कॉन्टेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए फिर एश ने अपने एपॉम को डॉन के बुइजल के साथ में ट्रेड करके बदल लिया और इसी तरह से एश की टीम में बुइजल आया। नंबर 7 में है स्क्रैगी। पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के 12वें एपिसोड में एश को करीना ने एक पोकेमोन का एग दिया था, क्योंकि एश ने उसकी ग्रैंडडॉटर डेनिलिया की मदद करी थी, जो कि किंडरगार्टन टीचर है। और फिर 17th एपिसोड में वो एग हैच हो गया था, जिसके अंदर से स्क्रैगी बाहर आया। और फिर आगे भी एश को अपने स्क्रैगी की एबिलिटीज का अच्छी तरीके से पता चल चुका था, इसलिए एश ने उसे पिकाचू से बैटल करवाई थी। स्क्रैगी यार रियली ना हर किसी पोकेमोन से फाइट करने को तैयार था, और यहाँ तक कि उसने एश की पोकेबॉल के अंदर भी जाने से मना कर दिया था। पर बाद में स्क्रैगी को एश पर पूरा भरोसा हो गया और वो अचानक से खुद ही पोकेबॉल में चला गया था। नंबर 6 में है ओशोवॉट। तो एश का ओशोवॉट ओरिजिनली प्रोफेसर जुपिटर का पोकेमोन है, पर जब एश पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के पहले एपिसोड में न्यूवेम्बर टाउन की लेबोरेटरी के अंदर गया था, तब वहीं से ना ओशोवॉट को एश पसंद आ गया था और तब से ही उसने एश को फॉलो करना शुरू कर दिया। सेकेंड एपिसोड में ओशोवॉट ने एश और आयरिस की टीम रॉकेट से जान बचाई थी, और तीसरे एपिसोड में जब ओशोवॉट उबलते हुए पानी में गिरने वाला था, तभी एश ने यार अपनी पोकेबॉल फेंक कर उसकी जान बचा ली, जिससे एश ने ओशोवॉट की जान भी बचा ली और उसे एक नया पोकेमोन भी मिल गया। नंबर 5 में है फिनेफी। तो पोकेमोन मास्टर क्वेस्ट के 19th एपिसोड में मिस्टर शेलवाई और उनकी वाइफ किमी ने एश को ये एग दिया था, क्योंकि एश और उसके बेलीफ ने टीम रॉकेट से उनके एग्स को चुराने से बचा लिया था, और इसी की खुशी में उन्होंने एश को ये एग दे दिया। और भाई उस समय तो एश को भी नहीं मालूम था कि इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है, क्योंकि किमी ने उसे बोला था ये एक सीक्रेट है। और फिर एश के अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि भाई इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है, तो फिर एश ने उसे सिर्फ 2 ही एपिसोड के बाद में हैच कर दिया, जिसके बाद में हमें ये पता चला उसके अंदर फिनेफी है। पहली बार में फिनेफी एश की पोकेबॉल में वापस आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में यार टीम रॉकेट ने उसे पकड़ लिया और एश ने जाकर उसे बचाया, जिसके बाद में एश ने उसे बैटल भी करवाई थी टीम रॉकेट के खिलाफ में। फिर फिनेफी और पिकाचू ने मिलकर टीम रॉकेट से बैटल की और इस तरीके से ये लोग दोस्त बन गए। नंबर 4 में है लार्वाटार। एक एपिसोड में प्रोफेसर एल्म ने एश को मरीन पोकेमोन लेबोरेटरी से लार्वाटार का एग लाने के लिए कहा था। इससे पहले ये एग माउंट सिल्वर के पोकेमोन रिजर्व में रखा हुआ था, पर वहाँ से कुछ पोकेमोन पोचर से चुरा कर ले गए थे, पर थैंक गॉड इस एग को बचा लिया गया और मरीन पोकेमोन लेबोरेटरी में रखा था, जहाँ पर एश को से लाना था।
और फिर बाद में यार एक एपिसोड में ये एग हैच हो गया जिसके बाद में इससे लार्वाटार बाहर आया। शुरुआत में लार्वाटार कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और उसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए ऐश लार्वाटार को पोकेमोन सेंटर में ले गया जहाँ पर नर्सजॉय भी ये पता नहीं कर पाई आखिर इसे क्या हुआ है। फिर उसी रात ऐश लार्वाटार के सपनों के अंदर आया और उसने देखा लार्वाटार का अंडा एक मोटरसाइकिल से गिर रहा है। उसके बाद में वो ट्रैफिक की वजह से इधर से उधर फिक रहा था और इसी तरह से वो रोड के किनारे आ गया और प्रोफेसर एल्म को भी यही लगता है कि लार्वाटार के ऐसे होने की वजह वही सब है। उसके बाद में लार्वाटार ने टीम रॉकेट से ऐश की जान बचाई थी क्योंकि लार्वाटार को ये याद आया कि उसके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ था और फिर इसके बाद में लार्वाटार ने ऐश की टीम ज्वाइन कर ली जिससे वो वापस माउंट सिल्वर में जा सके जो कि उसकी बर्थ प्लेस है। नंबर 3 में है हॉन्टर। तो तुम सभी को याद ही होगा कि पोकेमोन के एक एपिसोड में सबरीना को हराने के लिए ऐश को एक घोस्ट टाइप पोकेमोन की जरूरत थी क्योंकि सबरीना के पास में खतरनाक साइकिल टाइप पोकेमोन थे और उन्हें हराना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए ऐश एक घोस्ट टाइप पोकेमोन की तलाश में निकल गया और एक टावर के अंदर ऐश को एक हॉन्टर की टीम मिली जहाँ पर हॉन्टर, गेंगार और गैसली थे और ये सभी ना बहुत ही मजे करते थे, खेलते थे और पोकेमोन ट्रेनर्स को डराते थे और इसी तरीके से इन्होंने शुरुआत में ऐश को भी डराया था और यहाँ तक कि इन्होंने ऐश के चार्मेंडर को चाट भी लिया था ऐश के हॉन्टर ने। तुम्हें पता ही होगा ये एपिसोड कितना ज्यादा मजेदार था, यहाँ तक कि इस वाले एपिसोड में ऐश के चम मर भी गया था और उसकी आत्मा बाहर निकल चुकी थी, पर थैंक गॉड बाद में सब कुछ एकदम ठीक हो गया और हॉन्टर ने सबरीना से लड़ने में ऐश की मदद करी थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना, हॉन्टर की वजह से सबरीना वापस ठीक हो पाई क्योंकि सबरीना बहुत ही ज़रा मजाकिया था और उसने सबरीना को हंसा दिया जिससे उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी थी वो अपने आप खत्म हो गई और इस तरीके से ना हॉन्टर और सबरीना एक साथ ही रुक गए और ऐश ने हॉन्टर को वहीं छोड़कर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। नंबर 2 में है रियोलू। तो पोकेमोन जर्नीज में वर्मिलियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में नर्सजॉय के पास में एक रियोलू का एग रखा हुआ था। नर्सजॉय भी ये सोचकर हैरान थी कि आखिर ये अंडा हैच क्यों नहीं होता भाई, आखिर इसकी दिक्कत क्या है। बाद में जब ऐश एक पोकेमोन ट्रेनर हाइडन से बैटल कर रहा था ना, तब पिकाचू के मूव ने एक ऑरा वेव फेंकी थी जो कि डायरेक्ट उस अंडे से टकराई और उसी रात उस अंडे से रियोलू बाहर आया और वो ना उसी ऑरा को ढूंढने में लग गया जो उसने पहले सेंस किया था, मतलब ऐश केचम के ऑरा को। और इसी का पता लगाने के लिए रियोलू ने ना हर एक पोकेमोन से बैटल करना शुरू कर दी जिससे उसके ऊपर अटैक हो और वो ऑरा दोबारा वापस आए। तो जब रियोलू ऑनिक्स का सामना कर रहा था ना, तब वहीं पर पिकाचू और ऐश भी आ गए थे और वहीं रियोलू ने ऐश के अंदर का ऑरा महसूस कर लिया जिसके बाद में उसे फाइनली पता चल चुका था कि ये ऐश का ऑरा है और इस तरीके से यार वो दोनों एक हो गए और ऐश केचम को एक नया पोकेमोन मिल गया। तो गाइस फाइनली यार नंबर 1 पर है ऐश का पिकाचू जो कि उसे ज्यादा सोने की वजह से मिल गया था। तो यार ऐश केचम को पिकाचू ना उसे पोकेमोन सीरीज के पहले एपिसोड में मिला है और वो भी ऐश केचम की एक छोटी सी गलती की वजह से कि वो ज्यादा सो गया था। अगर ऐश ना समय पर उड़ जाता तो उसके पास में शायद बल्बासोर या तो स्क्वार्टल या तो चार्मेंडर में से कोई एक पोकेमोन होता जो कि उसका स्टार्टर पोकेमोन माना जाता, लेकिन ऐश केचम उस दिन ज्यादा सो गया जिसकी वजह से ऐश को मिला पिकाचू जो कि उसका पहला पोकेमोन है। पोकेमोन के किसी भी मूवी या तो किसी भी चीज में ऐश केचम ने पिकाचू को नहीं पकड़ा, उसी ये पोकेमोन प्रोफेसर ओक ने दिया था। शुरुआत में रियली यार ऐश को इसके साथ में बहुत ही दिक्कतें हुई, यहाँ तक कि ये उसे बहुत ही ज्यादा थंडरबोल्ट देता था और उसकी पोकेबॉल के अंदर भी नहीं आता था। पिकाचू ने ऐश की एक भी बार बात नहीं मानी, लेकिन बाद में पिकाचू को भी धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि ऐश एक अच्छा ट्रेनर है और फिर उसने अपने आप ही ऐश की बात मानना शुरू कर दी और फिर ऐश को स्पैरो से भी बचाया जिसकी वजह से दोनों के अंदर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ और इसी सब चीजों की वजह से ना पोकेमोन सीरीज की शुरुआत हुई। ये शुरुआत थी ऐश और उसके पिकाचू की जर्नी की जिन्होंने पोकेमोन की दुनिया में इतने सारे एडवेंचर्स करे जितने शायद किसी और ट्रेनर ने किए हों। और जरा सोचो इस लेजेंडरी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी जस्ट ज्यादा सोने की वजह से, इसलिए तुम लोग कह सकते हो कि कभी कभी ज्यादा सोना भी गलत नहीं है। तो गाइस ये थे 10 ऐसे पोकेमोन जो कि ऐश को बिना पकड़े ही मिल गए थे उसकी टीम के लिए। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट है और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके जाना और अगर गाइस तुम लोग यार मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हम डेली बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।